नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा में आज एक बड़ी घटना हो गई है। पश्चिमी मेदिनीपुर में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ। मुरलीधरन बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के साथ नतीजे आने के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे। अपने काफिले पर हुए हमले को मुरलीधरन ने लोकतंत्र पर हमला बताया है। हमले की निंदा टीएमसी ने भी की है, लेकिन राजनीतिक तनातनी साफ देखी जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कोविड संभालने की बजाय केंद्र बंगाल में टीमें भेज रहा है। आपको यह भी बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम बंगाल के हिंसा पर ग्राउंड रिपोर्ट लेने भेजी गई है और बंगाल सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा पर चेताई भी है। ऐसे में आज दंगल में बंगाल में बने इसी माहौल पर बहस करेंगे। हम सवाल पूछेंगे कि केंद्रीय मंत्री पर हमला आखिर किसकी शह पर हुआ। हमारा सवाल है कि क्या इसे ममता बनर्जी की नाकामी कहें, और दंगल में बहस में इस चुनाव के बाद क्या वहां पर खेला जा रही है। बहस की शुरुआत करें उसके पहले ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं, देखिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में जो प्रतिनिधि मंडल पश्चिम बंगाल में विजिट किया था, उसके हंस के नाते में आया था। और यहाँ मिर्जापुर में कुछ घरों पर जहाँ हमला हुआ है वहाँ मैं गया था। तो एक 40-50 लोगों का एक ग्रुप हमें रोका और हमारे ऊपर अटैक किया। हमारी गाड़ी का वो तोड़ा है, उसमें थोड़ा सा चोट लगी है ड्राइवर को। इट शोज द सॉर्ट ऑफ अनार्किक सिचुएशन दैट इज देयर इन द स्टेट। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन बंगाल बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के साथ पश्चिमी मेदिनीपुर के पंचकुंडी में थे, तभी उनके काफिले पर यह हमला हुआ। टीएमसी के गुंडों पर हमले का आरोप लगा रहे मुरलीधरन ने खुद पर हमले को लोकतंत्र पर हमला कहा है। डेमोक्रेटिक एक्टिविटी पर एक अटैक है, क्योंकि मुझे तो कोई टीएमसी वालों को व्यक्तिगत मुरलीधरन नाम के किसी नेता के ऊपर कोई अटैक करने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी का किसी भी नेता को घुसने नहीं देंगे, ये शायद वो संदेश देना चाहते। मुरलीधरन के काफिले पर इस हमले ने नतीजों के बाद से हो रही बंगाल हिंसा पर तनातनी बढ़ा दी है। ममता पहले ही कह चुकी हैं कि हिंसा पर लगाम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्रशासन चुनाव आयोग के नियंत्रण में था। अब ममता बंगाल में बन रहे माहौल को केंद्र की राजनीति का नतीजा बता रही हैं। सिक्स मंथ इज इनफ, द गवर्नमेंट वेस्टेड द टाइम, दे डिडंट टेक केयर, दे नेग्लेक्टेड कोविड लाइक एनीथिंग, ओनली टू विन द इलेक्शन ऑफ बंगाल। इवन नाउ ऑल्सो दे कैनॉट एक्सेप्ट द मैंडेट, इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द कोविड पीपल दे आर सेंडिंग द Central team to Bengal. And why the ministers are coming for this? Tell them the ministers to visit the COVID hospital instead of coming to Bengal. And instead of coming to sending the people and sending the villages to spread the COVID. एक और बीजेपी राजनीतिक तौर पर आक्रामक है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री तक पीड़ितों के घर जा रहे हैं, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी की अगुवाई में 4 सदस्यों की टीम को हालात का मुआयना करने के लिए भेज दिया है। इससे पहले बंगाल सरकार से हिंसा पर रिपोर्ट न मिलने के बाद गृह मंत्रालय ने एक और चिट्ठी बंगाल सरकार को लिखकर चेताया है कि हिंसा न रुकने को गंभीरता से लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से हिंसा की रिपोर्ट मांगी है। राज्यपाल धनखड़ भी लगातार ममता पर हिंसा को लेकर दबाव बनाए हुए हैं। आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज वी मस्ट ब्रिंग एंड टू दिस सेंसलेस वायलेंस, हॉरेंडस वायलेंस दैट हैज अफेक्टेड सोसाइटी एट लार्ज, पोस्ट पोल वायलेंस इफ इट इज रेट्रीब्यूटिव is antithetical to democracy. সেখানে আমরা দেখে নেব যাতে কোনো রকম কেউ যাতে এখান থেকে রেহাই না পায়, এবং আজকেই গিয়ে আমি নতুন সেটআপ তৈরি করব। তার কারণ 3 মাস এই সেটআপটা আমার ছিল না, সুতরাং অনেক ইনএফেক্টিভ ইনএফিসিয়েন্সি ছিল। আক্রামক বিজেপি নে ইন্ডিয়া টুডে কে পত্রকার অব্রো বনার্জি কি ফটো কো কুচ বিহার মে মারে গয়ে কার্যকর্তা মানিক মৈত্রা কি ফটো বতাকর টুইট কিয়া, হালাকি অব ইসে হটা লিয়া গয়া হ্যায়।
लेकिन पोस्ट पोल हिंसा के अधिकतर वीडियोस को फेक न्यूज बता रही टीएमसी को इससे मुद्दा मिल सकता है। अगर वो होम मिनिस्ट्री जाके अगर ऐसा करेंगे कि जैसा बंगाल में वायलेंस बढ़े, ये अच्छा नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार सरकार बनाने के फौरन बाद 29 बड़े पुलिस अफसरों के तबादले किए। इन तबादलों से चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए अफसरों डीजी वीरेंद्र, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम और डीजी सिक्योरिटी विवेक सहाय को उनके पुराने पदों पर बहाल किया। कोलकाता से अनुपम